हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी टेस्टी आलू की कचौरी। और आलू की कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है और एक कटोरी सूजी। सूजी से कचौरी जो है वो बहुत क्रिस्पी होगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और मोइन के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच। अगर आप इसके जगह पे घी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक हार्ड डो तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़े थोड़े ही पानी डालकर हम डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, आटे का डो हमारा बनके तैयार है। अब इसे हम रखेंगे रेस्ट पर और तब तक स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे 6-7 आलू को बॉयल करके छील लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप इसे मैश भी कर सकते हैं। सारे आलू को हम एक एक करके ग्रेट कर लेंगे। सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है, तो चलिए अब इसे मसालों के साथ फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी सौंफ, कुटी हुई अदरक लहसुन और एक हरी मिर्च। इन्हें अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा देर भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इस प्याज को भी सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला और आधी चम्मच चाट मसाला। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक भूनेंगे। अब यहीं पे डालेंगे आलू और आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट तक भूनेंगे। स्टफिंग हमारा बन के तैयार है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अब दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम आटे की लोई तैयार कर लेते हैं। तो आटे की लोई बनाने के लिए हम पहले अपने हाथों में थोड़े से घी या तेल लगा लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे लोई तैयार करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम छोटे छोटे गोल गोल लोई तैयार कर लेंगे सारे आटे का। तो देखिए, हमने सारे आटे की लोई तैयार कर लिया है। चलिए अब इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। स्टफिंग भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो स्टफिंग भरने के लिए एक लोई लेंगे और इसे बीच से दबाते हुए एक कटोरी का शेप देंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से कटोरी शेप हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग भरेंगे ताकि ये फटे नहीं, और इसे दबाते हुए बंद करेंगे। अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो आप अपने तरीके से स्टफिंग भर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हम भर के इसे तैयार करेंगे। चारों तरफ से हमने इसे बंद कर लिया है। अब इसे हाथों से दबा देंगे। अगर आप इसे बेलना चाहते हैं तो दोनों तरफ से हल्के हल्के से इसे बेल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे लोई में स्टफिंग भर लेंगे। सारे लोई में आलू को भर लिया है, चलिए अब इसे तल लेते हैं। तो कचौरी तलने के लिए हमने यहाँ पे मोटे तले की कढ़ाई लिया है और तेल को गर्म कर लिया है। तेल को ज़्यादा हाई फ्लेम पर गर्म नहीं करना है, इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही गर्म करेंगे। तो एक एक करके कचौरी को डाल लेंगे। ज़्यादा कचौरी एक साथ नहीं डालना है, 3 या 4 ही डालेंगे और इसे एक साइड से तलने देंगे और फ्लेम को मीडियम लो ही रखेंगे। अगर इसे हम हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रहेंगे।
तो देखिए कचौरी एक तरफ से फूल गए हैं, इन्हें हम उलट कर दूसरी तरफ से भी तल लेंगे। कचौरी को लो फ्लेम पर दोनों तरफ से तल लिया है। अब यहीं पे फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और इसे दोनों तरफ से ब्राउन कर लेंगे। देखिए कचौरी दोनों तरफ से ब्राउन हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। कचौरी को आप हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कचौरी हमारा कितना क्रिस्पी टेस्टी बनके तैयार है और एक खस्ता भी बना है, इसके अंदर तक स्टफिंग फैल गया है। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।